नमस्कार, मैं अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमिटी का, हम लोग ये है वेस्ट सियांग यूनिट है। मेरा नाम जुमिन लोलेन है, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। और ये मेरा राइट में ये जो है निमर बागरा है, वाइस चेयरमैन है। और मेरा लेफ्ट में ये जो है करगा आंगू है, दौतुम बागरा है, कन्वेनर है और करगा आंगू है। यहाँ ये आंगू बस्ती का जॉइंट सेक्रेटरी है और यहाँ पर बागरा जय बस्ती का जॉइंट सेक्रेटरी है। आज हम यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार करता हूँ वेस्ट सियांग डिजिटल प्रेस क्लब को। तो आज हम ये बताने आया है कि ये मुहिम पहले से हम लोग शुरू करना था, लेकिन आज इस साल ही शुरू कर पाया है। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि एसटी क्या चीज़ है और नॉन एपीएसटी एसटी क्या चीज़ है। एसटी हर स्टेट में एसटी होता है अपना, तो हमारा अरुणाचल का इसको एपीएसटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो हमें फंडामेंटल राइट में भी ये दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में दिया गया है कि कुछ ग्रुप एथनिक ग्रुप को बांटा गया है। तो हम एसटी ग्रुप में आता है अरुणाचल प्रदेश का। इसमें फायदा क्या है, आजकल नौकरी में बोलने से 80-20 चल रहा है। तो 80% रिजर्व है एसटी के लिए और 2% जनरल के लिए है। तो उसमें 10 नौकरी होने से, पोस्ट होने से 2 तो ओपन होगा, 8 तो हम लोग का एसटी के लिए रिजर्व होगा। तो ये एक बेनिफिट है। और एक बेनिफिट ये है कि हमारा यहाँ हम लोग ये कर सकता है, जमीन जायदाद ले सकता है, ये फायदा है। और जितना भी गवर्नमेंट का एसटी के लिए और अरुणाचल एपीएसटी के लिए जितना भी दिया गया है उसे हम ले सकता है, जैसे मनरेगा और जितना भी सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया गया है वो सब हम ले सकता है। ये बेनिफिट आप सब जानते हैं। और नॉन एपीएसटी जो है वो हमारा यहाँ जमीन ने ले सकता है। और बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश का शेड्यूल ट्राइब को दिया है उसको नहीं ले सकता है। और इलेक्शन में करा नहीं कर सकता है, वो ग्राम पंचायत हो, जिला हो और असेंबली हो। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम लोग देखा है तो ऐसा हो गया कि नॉन एपीएसटी भी एसटी होल्डर बोर्ड निकल गया। उसका कारण से आगे चल के जो है हमारा फ्यूचर जनरेशन बहुत खतरा में पड़ रहा है, क्योंकि नॉन एपीएसटी जो है एसटी सर्टिफिकेट लेके हमारा फायदा को वो लोग ले रहा है। तो धीरे धीरे वो लोग भरते जाएगा, तो आगे जाके वो लोग का पॉपुलेशन, अभी एक एसटी होल्डर हो गया नॉन एपीएसटी, नॉन ट्राइबल ऐसा हो कि अपना रिलेटिव को एसटी बना के बाद में हमारा गवर्नमेंट को भी चला सकता है। और जितना भी है यहाँ आलो में भी देखो, जितना भी मार्केट में बैठा हुआ है पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन नॉन ट्राइबल है। अगर वो एसटी मिलके अगर जमीन जायदाद लेता तो हमारा यहाँ अरुणाचल ही खत्म हो जाएगा, हमारा कल्चर भी खत्म हो जाएगा। ये एसटी का हम लोग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग बचाए रखना है। तो कैसे एसटी को वो लोग हासिल कर रहा है, इसका दो प्रकार से हम लोग देखा जा रहा है। एक तो हमारा बहन लोग शादी करता है, जैसे जीसी हो, आपातानी हो, कालो हो, मिनोंग हो, कोई भी हो अरुणाचल एसटी का, वो नॉन ट्राइबल में शादी करता है। नॉन ट्राइबल में शादी करने के बाद उसका बच्चा को जो है नॉन ट्राइबल पिताजी का नाम में नहीं रख के अपना नाम में रखता है, उसका बाद एसटी दिलाता है और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी दिलाता है। तो ये ऐसा होने से हमारा बस्ती तक आ जाएगा। जितना भी है हमारा अरुणाचल का पॉपुलेशन अभी देखा जाए तो 80-90% अभी तक बस्ती में रहता है, कैटेगरी के कहता है। जितना गवर्नमेंट का बेनिफिट है, क्या क्या है, ये टेक्निकलिटी को मालूम नहीं है। लेकिन वो लोग जहाँ से आया है वहाँ से वो लोग सीख के आके यहाँ हमारा यहाँ एसटी अगर वो लोग मिलता लेके हम लोग का बीच में रहने से वो लोग जो है हम लोग से बहुत आगे निकल सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसटी अरुणाचल प्रदेश को एसटी घोषित करके हम लोग को एक ग्रुप में रखा गया, क्योंकि कॉमन आदमी का साथ रहने से हम लोग रह नहीं सकेगा। क्योंकि डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ है, हम लोग का यहाँ नॉलेज उतना नहीं है, वो लोग नॉलेज होके यहाँ आके ऐसा कर रहा है। ये एक जो है
एसटी बनाने का ओलुक का ये जो है रास्ता है, जो जैसे कि निपाक में शादी करके नॉन ट्राइबल में शादी करके बच्चा को अपना अंकुल आंटी का नाम में रख के ये कर एसटी ये करता है। तो और दूसरा चीज जो है एसटी जेस कैसे वो लोग ले रहा है, तो वो जो है एडॉप्शन, आजकल जो है हमारा यहाँ एडॉप्शन चल रहा है एसटी को, निपाक बच्चा को हम लोग एडॉप्ट करके उसका अपना नाम लेके पीआरसी एसटी अपना नाम में बना के रख रहा है। तो एसटी क्या चीज़ है एक्चुअली बोला जाने से, एसटी जो है बायवर्थ है, बायवर्थ मतलब जन्म का साथ आने वाला है, एसटी को किसी को ऐसा नहीं दे सकता है। तो एग्जाम्पल जैसे हमारा गालो ट्राइब में होता है, गालो आदमी एक नॉन ट्राइबल लड़की को शादी करता है तो उसका बच्चा एसटी होगा, वो जो है बच्चा जो है बायवर्ट एसटी है, फादर एसटी है। लेकिन हम लोग का यहाँ का लड़की लोग नॉन ट्राइबल में शादी होने से वो जो है नॉन ट्राइबल में चला गया, माँ एसटी रह सकता है लेकिन बच्चा एसटी नहीं हो सकता है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होने का है। तो हम लोग इसको देख के अभी अरुणाचल का पॉपुलेशन जितना भी है इसको देख के धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है हम लोग का एसटी कोटा, और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। हमारा असली जो है हकदार जो एसटी का हमारा अरुणाचल वासी उसका हकदार है वो कम है, लेकिन वहाँ से एडॉप्शन होके और एसटी इलीगली ऑब्टेन करके आने वाला का नंबर बढ़ते जा रहा है डे बाई डे। अगर कल को जाके वो असेंबली में कोई एमएलए मिनिस्टर और आपका सीएम तक बन जाने से हमारा यहाँ का एसटी गालो मिन्योंग पासी पादम जितना भी है निशी आपातानी हम लोग का फ्यूचर जनरेशन खतरा में है, और नौकरी को भी वो लेगा आज का जितना बेनिफिट को वो लेगा। इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है दरख्वास्त है यह है कि हम अभी एसटी को बंद करें, इलीगली लेने वाला को बंद करें, जैसे नॉन ट्राइबल लोग लेके रखा है जितना भी लेके रखा है उससे मेरा अनुरोध ये है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना एसटी को सरेंडर करें, और यह होने से डीसी का उधर सरेंडर करें और हमारा टीम में आके सरेंडर करें, इसका बाद एसटी को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होने से हम लोग जो है दिसंबर लास्ट तक का हम लोग का अभी ये साल का दिसंबर लास्ट तक हम लोग का टाइम दिया है तब तक सरेंडर करना है। अगर ऐसा सरेंडर नहीं होने से हम लोग लीगल वे में जाएगा, और इसमें हमारा बस्ती का जो है गांबुरा एजीबी पंचायत का बहुत बड़ा रोल है। तो जितना भी हो पीआरसी बनाने के लिए कोई बस्ती से लेना पड़ता है उसका एनओसी वो लोग दिलाता है, तो उसको भी मेरा ये अनुरोध है कि वो लोग जांच पड़ताल करके एनओसी दे। अगर एनओसी अगर उस जगह का नहीं है तो एनओसी नहीं देना है। और एसटी में भी गांव और हेड गांव और पंचायत का जिला ये सब का एनओसी लेना पड़ता है, तो वो भी छानबीन करके ले, एसटी सर्टिफिकेट में एनओसी जो देता है उसको छानबीन करके दे। अगर गलती से भी किसी ने ऐसा किया हो तो अभी याद आ रहा है किसी को हमारे हम गलती से किया है बोलने से वो भी डीसी का उधर रिपोर्ट करे। और ये जो है अभियान जो ईटानगर में हमारा पोल सर है ताओ पोल चेयरमैन और गई बागरा भाई चेयरमैन है, तो हम वेस्ट सियांग का यूनिट है, वहाँ अगर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर पाने से हमें यहाँ वेस्ट सियांग का यूनिट को ये करके कवर करके बताए ये पालना आदमी को मैंने एनओसी दिया है इसको थोड़ा आप जांच पड़ताल करें बोल के हमें बताए। तो हम अभी मेरा कैमरा मैन को भी हम रिक्वेस्ट करूंगा ये चैनल का माध्यम से कि हमारा सब फोन नंबर बाद में वो आपका स्क्रीन में डिस्प्ले कर दे ताकि यहाँ का लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सके। और ये जो जितना भी वेस्ट सियांग में जितना भी जिले है जितना बस्ती है उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी युवा है और जितना भी जानकार आदमी है उन सब से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप आपका एरिया में जहाँ कहीं भी हो ऐसा डाउटफुल रहने से और ऐसा है बोल के जानने से उसे हमें रिपोर्ट करें, और हम उसको क्या करना है जांच पड़ताल कर देंगे। डीसी का सामने में हम लोग एप्लीकेशन कल डालेंगे कि हेड गांव और ग्राम पंचायत को डायरेक्शन दे
इंक्वायरी करे और रिपोर्ट दे बोल के हम लोग डायरेक्शन देने के लिए कल एप्लीकेशन डालने जा रहा है। और आप सब के मदद के बगैर ये मुहिम कभी पूरा नहीं होगा, तो हमारा आने वाला जनरेशन जो है बहुत ही खतरे में है। अगर अभी सिर्फ अरुणाचल को दो चीज़ बचा रहा है हमें, ST और ILP, ST शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, ILP इनर लाइन परमिट। अगर इनर लाइन परमिट भी हट जाए तो उधर से नॉन ट्राइबल अपना मन मर्जी आके यहाँ हमें बहुत ये लॉस पहुंचा सकता है। और ST अगर वो लोग ST का फायदा उठाएगा तो हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग जो है आज या प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आप लोगों को सावधान करने आया है। तो हमारा कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, तावपोल सर का भी और वहाँ गई बागरा का भी, मेरा जुम्मिन लोलिंग का भी और जुमर बागरा का भी और जितना यहाँ आए हैं वैसे यूनिट का, किसी से हम लोग का जान व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम अपना हक को हमारा कॉमन पीपुल को, बस्ती वाला को, जो अनपढ़ है, जो जानता नहीं, जिसको एक्चुअली मिलना चाहिए, और फ्यूचर को देख के हमारा यंग जनरेशन का भविष्य खतरे में है बोल के हम लोग आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि सब हमारा साथ देंगे और ये मुहिम को हमें सक्सेसफुल बनाने में सब योगदान देंगे, यही कहने आया हूँ। थैंक यू।